लेट अस डिस्कस अबाउट द पॉलीमर कंपोजिट, पॉलीमर कंपोजिट। सो एक्चुअली व्हाट आर पॉलीमर कंपोजिट? नाउ इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन एंशियंट टाइम। Now the industry requires such a type of the material which has a low density, require high strength material, impact resistant, corrosion resistant and fatigue resistant. So all such type of the property it cannot be attained in a single material. अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम कहते हैं भाई चलो अल्मुनियम का हम प्रयोग करते हैं जो लो डेंसिटी है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी तो नहीं आ सकती है ना। लोहा ले लेंगे, हाई इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट द करोजन रेजिस्टेंट है, हाई इसकी क्या है डेंसिटी है। So in this way there are so many problems by choosing a single material. But today's requirement is we should have a material which give so many characteristics in one material. So this composite material, these are the mixed material in which we mix two or three or so many constituent material, and the property of the material will exhibit significant proportion of property of all constituent. हर जितने भी constituent material के अंदर होंगे उस material में सभी constituent की significant जो प्रपोर्शन में होगा उसका प्रॉपर्टी हमको दिखेगी मिलेगी। एंड दीज मटीरियल्स आर वेरी यूजफुल मटीरियल्स नाउ ए डेज। जैसे कि आप बाद में हम आपको एग्जांपल दे करके बात करेंगे कि हमको हेलीकॉप्टर में मटीरियल यूज़ करना है तो वो हेलीकॉप्टर का मटीरियल हल्का होना चाहिए, कंपैक्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, उस मजबूत हो, हल्का हो, करोजन रेजिस्टेंट हो, फायर रेजिस्टेंट हो, मतलब देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज। तो सच टाइप ऑफ द मटेरियल कैन बी अचीव्ड बाय द कंपोजिट मटेरियल। नाउ देर इज अनदर क्वेश्चन। तो ये जो कंपोजिट मटेरियल है, ये कंपोजिट मटेरियल में कितने फेज होंगे? आप जानते हो कि जितने भी नेचुरल मटेरियल्स हैं वो सिंगल फेज मटेरियल होते हैं। लोहा है तो पूरा लोहा है, एक उसमें कुछ मिला नहीं है। अल्मुनियम है तो उसके अंदर एक फेज है, अल्मुनियम है। जितने भी नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स होते हैं ऑल द मटेरियल्स आर सिंगल फेज मटेरियल। बट हियर कंपोजिट मटेरियल नॉट नेसेसरी इट इज़ ए सिंगल फेज मटेरियल, क्योंकि इसमें हमको मिक्सिंग करनी है। There are two part, or you can say there are two phases of the composite material. One is the matrix, important. One is the matrix phase. Second is the reinforcing material phase. So now, but natural question arises, what are the matrix? So matrix is nothing but the dispersion medium. ज़्यादा मात्रा में जो आप रखते हो वो dispersion medium है। जैसे अगर ये रखा जाए कि ये कोई पॉलीमर है, कोई भी पॉलीमर आप ले लो, तो किसी पॉलीमर को मेल्ट करा करके इसमें कुछ ग्लास के फाइबर डाल दो तो यू विल गेट ए फाइबर ग्लास। तो इसके अंदर आप देख लीजिए ये जो डॉटेड डॉटेड है ये कंटिन्यूस फेज है। इस कंटिन्यूस फेज के अंदर
कुछ मटेरियल मिला दिया गया तो री इन्फोर्समेंट मटीरियल बहुत कम मात्रा में होता है। तो इन दिस वे द लार्जर पार्ट ऑफ लार्जर फेज ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड द मैट्रिक्स आर डिस्पर्सन मीडियम एंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड द री इन्फोर्समेंट मटीरियल आर री इन्फोर्समेंट फेज। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन व्हाट द मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द री इन्फोर्सिंग मटीरियल। So this reinforcing material, it constitutes dispersed phase. This is the dispersion medium, this is the dispersed phase. तो ये जो properties of the composites are determined by the properties of the constituent phases, their relative amount and distribution एंड ओरिएंटेशन। तो इसके आधार पे ये जो हमारा रीइंफोर्समेंट मटेरियल है ये भी हमारा मटेरियल नए कंपोजिट की प्रॉपर्टी को काफ़ी ये प्रभावित करता है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप आरसीसी बनाते हो तो जिसके अंदर आप देखते हो कि एक रीइंफोर्समेंट मटेरियल आप आयरन का रॉड डालते हो, बार आयरन बार डालते हो, कंक्रीट डालते हो इन द स्लरी ऑफ द सीमेंट। तो उसके अंदर जो है मैट्रिक्स में आप डालते हो क्या रीइंफोर्स मटेरियल डालते हो, मजबूत चीज डालते हैं, लोहे को डालते हैं, कंक्रीट को डालते हैं, तो हमारा जो कंपोजिट बनता है यह है इसकी क्वालिटी प्रॉपर्टी रीइंफोर्समेंट मटेरियल पर निर्भर करेगी। तो रीइंफोर्समेंट मटेरियल एज वेल एज कंपोजिट मटेरियल बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोजिट। सो इन दिस तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन फाइबर ग्लास फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि फाइबर ग्लास, तो फाइबर ग्लास में क्या है कि प्लास्टिक उसकी अभी बताया कि मैट्रिक्स है और ग्लास का फाइबर उसमें हम डिस्पर्स करते हैं तो वो हमारा रीइंफोर्समेंट मटेरियल है। तो प्लास्टिक एलोन इज वीक, एवरीबॉडी नोज, ये बेंड हो सकता है, स्क्रैच आ सकता है, इजीली इसको हम मोड़ सकते हैं जैसे आप कह सकते हो। लेकिन अगर इसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट मटेरियल ग्लास मिला दें तो इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लास्टिक, ये स्टिफ हो जाएगा। तो स्टिफनेस प्रॉपर्टी अकेली केवल सिंगल कोई भी प्लास्टिक है या प्लास्टिक की जो पॉलीमर, तो इस पॉलीमर की करेक्टर जो है वो वीक है या बेंड हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है। एज सून एज वी मिक्स ग्लास फाइबर इन द प्लास्टिक वी गेट ए सच टाइप ऑफ द मटीरियल विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्लास्टिक। सो इन दिस वे दिस न्यू मटीरियल विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। अब ये बात आती है कि ये जो हमारा कंपोजिट है इसको हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, मीन्स हाउ मेनी हाउ वी कैन क्लासीफाई द कंपोजिट। सो कंपोजिट का जो क्लासिफिकेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फेजेस, वन इज द मैट्रिक्स, सेकंड इज द रीइंफोर्समेंट। सो सम ऑफ द कंपोजिट्स आर डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स एंड अदर डिपेंड्स अपॉन द रीइंफोर्समेंट मटीरियल। सो हियर आई हैव शोन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोजिट मटीरियल इज मेड टू टाइप्स, दैट इज वन
on the basis of the matrix and second on the basis of the reinforcement material. So on the basis of the matrix, classification of composite is of this type. Just see here, it is said PMC. PMC short for polymer matrix composite. पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, माने कहने का कि ये जो हमारा कंपोजिट तैयार होगा इसका जो मैट्रिक्स है लार्ज पोर्शन है, कंटिन्यूस पोर्शन है जिसमें कोई हम रीइंफोर्समेंट मटेरियल मिला रहे हैं, हमको ये नहीं इस पे कौन सा मटेरियल मिला रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमको केवल ये देखना है कि हमारे कंपोजिट की मैट्रिक्स क्या है, माने ज़्यादा पोर्शन या बिगर फेज ऑफ द कंपोजिट क्या है। अगर बिगर फेज ऑफ द कंपोजिट इज द पॉलीमर तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो कंपोजिट है ये कंपोजिट पीएमसी कैटेगरी का है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। अगर ऐसा नहीं है, सपोज करिए कि मेरा जो मैट्रिक्स है मैं मेटल है, मेटल को मेल्ट करके उसमें हम कोई भी रीइंफोर्समेंट मटेरियल मिला दें तो वी शैल गेट ए टाइप ऑफ द कंपोजिट। लेकिन मैट्रिक्स के नेचर के आधार पे ये जो कंपोजिट बनेगा इस कंपोजिट को हम क्लासिफाई करते हुए कहेंगे कि इट इज एमएम सी टाइप ऑफ द कंपोजिट है, मींस मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है। तो इन दिस वे द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स क्लासिफाई द कंपोजिट मटेरियल। थर्ड यू नो दिस इज द सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। सिरेमिक हम जानते हैं कि जो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, और मिट्टी का आप देख लो कि तमाम जैसे टाइल्स बनती है और तमाम टेराकोटा के मटेरियल्स आप देखते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी सिरेमिक्स के अंदर आती हैं। तो सिरेमिक्स में अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिरेमिक का है तो इस कंपोजिट को हम कहेंगे सीएमसी, और अगर हमारा मैट्रिक्स कार्बन का है तो इसको हम कहते हैं कार्बन फाइबर कंपोजिट या कार्बन कार्बन कंपोजिट। So in this way, on the basis of the matrix, we can say the composite may be a PMC type, MMC type, CMC type, or carbon fiber type. Now we come to the discussion of the individual composite here. Suppose I say polymer matrix composite. तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप ये ले सकते हो कि इस प्रकार का जो कंपोजिट होता है जिनका यूज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में किया जाता है, जैसे कि पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर और या विनाइल एस्टर है, इनको हम यूज करें ज़्यादा मात्रा में, मतलब उसका हम मैट्रिक्स फेज बनावें पॉलीमर का, और इसमें रीइंफोर्समेंट मटेरियल डालें जो कम मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर, जैसे कि ग्लास फाइबर है या कार्बन है या बोरान है, इनका हम यूज करते हैं तो हमको एक कंपोजिट मटेरियल मिलेगा। लेकिन ये आप देखो कि ये जो कंपोजिट मटेरियल मिलेगा तो ग्लास फाइबर पीएमसी, ग्लास फाइबर पीएमसी इसको हम यूज करते हैं इन द केमिकल इंडस्ट्री। फिर कहता है कि कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स, आप देखते हो हेलीकॉप्टर्स का ब्लेड वगैरह होता है, इसके अंदर ऐसे मटेरियल हैं जो कि हल्के होने चाहिए और ये हीट रेजिस्टेंट वगैरह होना चाहिए, केमिकली
इनर्टनेस होना चाहिए, तो इनको हम यूज़ करते हैं। जैसे ये एक कंपोजिट है बोरान इपॉक्सी कंपोजिट, तो दिस बोरान इपॉक्सी कंपोजिट कैन बी यूज्ड फॉर गोल्फ क्लब, टेनिस रैकेट इत्यादि के बनाने में आप करते हैं। जैसे गोल्फ का जो स्टिक होता है या गोल्फ का जो बॉल होते हैं, उनको जो है एक कंपोजिट मटेरियल से हम तैयार करते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक बोरान और इपॉक्सी ये पॉलीमर है, इसका मैट्रिक्स होगा बोरान, उसमें रीइंफोर्समेंट मटेरियल लगाया है। अब कहता है कि दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वह मेटल कंपोजिट है, कि मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। तो इन दिस टाइप ऑफ द कंपोजिट मेटल आर मेटल एलॉय, बोथ नॉट ओनली मेटल एंड मेटल एलॉय आर यूज्ड एज मैट्रिक्स मटेरियल, माने ज़्यादा मात्रा में होगा। और इसमें जो कंपोजिट तैयार होगा ये कॉस्टलियर होता है, मेटल कॉस्टली होगा, पॉलीमर तो सस्ता होता है। तो इस प्रकार के जो कंपोजिट होंगे वो कॉस्टलियर होंगे किसकी तुलना में, पॉलीमर के मैट्रिक्स के कंपोजिट की तुलना में। तो जैसे कि आप ये देखो कि टाइटेनियम का एलॉय मैट्रिक्स अगर हो, टाइटेनियम आप जानते हैं महंगा मटेरियल है, टाइटेनियम की एलॉय मैट्रिक्स हो, इसका अगर कंपोजिट बनता है तो इसका यूज तो हम जेट इंजन में करेंगे, लेकिन महंगा होगा। लेकिन हमको जो रिक्वायरमेंट है वह हमारी रिक्वायरमेंट पॉलीमर मैट्रिक्स मटेरियल की नहीं है, या हमको हमारी रिक्वायरमेंट है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट की। एंड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हियर आई हैव चूजन टाइटेनियम एलॉय एज ए मैट्रिक्स। सो दिस टाइप ऑफ द कंपोजिट यूज्ड इन, आप देख रहे हो कि ये जो आपका जेट इंजन है, जेट इंजन के अंदर टाइटेनियम की एलॉय मैट्रिक्स में हम कंपोजिट मिलाते हैं, अल्मोनियम एलॉय मैट्रिक्स का भी कंपोजिट बनाते हैं। तो ये अल्मोनियम हो या टाइटेनियम हो या अन्य कोई भी मेटल मैट्रिक्स का होगा, तो ऐसे मटेरियल कॉस्टलियर होंगे, लेकिन इनका यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि अल्मोनियम है, अल्मोनियम एलॉय मैट्रिक्स का इस्तेमाल हम एरोस्पेस में कर सकते हैं, करते ही हैं, क्योंकि हमको वेट कम चाहिए मटेरियल का। तो MMC टाइप ऑफ द मेटल मैट्रिक्स टाइप ऑफ द कंपोजिट के बारे में हम लोग जान गए। इसके बाद देखिए ये जो मैट्रिक्स है सिरामिक मैट्रिक्स है, जिसके बारे में पहले बहुत कुछ नहीं मालूम था, केवल बन जाता था, मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, ब्रिक्स वगैरह बनते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सिरेमिक्स का बहुत ही बड़ा उपयोग है। तो आप ये जानो कि अगर हमारा मैट्रिक्स सिरेमिक है तो इस प्रकार का जो कंपोजिट तैयार होगा उसे हम कहेंगे सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। सिरेमिक मटेरियल्स सर्व एज ए एक्सेलेंट मैट्रिक्स मटेरियल ऑफ द हाई स्ट्रेंथ, केमिकल इनर्टनेस, लो डेंसिटी, हाई स्टिफनेस। द मेन पर्पज ऑफ द सच टाइप ऑफ द कंपोजिट इज टू प्रिपेयर टफ सिरेमिक बाय एडिंग रीइंफोर्सिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर इन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, तो
आर टू प्रिपेयर कटिंग टूल्स, इस प्रकार के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, इस रिक्वायरमेंट में हम सिरेमिक का बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल अगर आप ले हो तो सिलिकॉन की कार्बाइड यूज्ड एज ए री इन्फोर्समेंट विथ एलुमिना यूज्ड एज ए कटिंग टूल। तो सिलिकॉन कार्बाइड री इन्फोर्स्ड इन द एलुमिना मैट्रिक्स, तो यह एक प्रकार का हमको कटिंग टूल बनाने के लिए सुपर एलॉय प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सिलिकॉन की कार्बाइड है ना, ये सिलिकॉन की कार्बाइड आपकी सिरेमिक है। तो सिरेमिक का मतलब केवल मिट्टी का नहीं है, मिट्टी के अंदर बहुत सारी जो है वो मेटल ऑक्साइड रहती हैं जिनका कि हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि लगभग ये लो डेंसिटी का भी मटेरियल बना सकते हैं, फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो इसके बाद आप देख रहे हो कि जो लास्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स है तो कार्बन कार्बन कंपोजिट। कार्बन कार्बन कंपोजिट की डिमांड आजकल बहुत है और हम ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन कंपोजिट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे कि आप एयरक्राफ्ट का ब्रेक है, एयरक्राफ्ट के ब्रेक में हम इस तरह के कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि एयरक्राफ्ट का जो ब्रेक तैयार किया जाता है, क्यों आप कहेंगे साहब क्यों बाकी ब्रेक में नहीं, इस ब्रेक में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। ये कार्बन कार्बन जो कंपोजिट है ये हीट रेजिस्टेंट है। अगर हीट रेजिस्टेंट है तो हीट जो जनरेट होगी उसको वो बियर करेगा। ये हार्ड प्रेसिंग डाइस होती हैं, इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉजिल आप जानते हैं, मशीन के अंदर एक पार्ट होता है, इस नॉजिल को प्रिपेयर करने में भी हम कार्बन कार्बन का कंपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। तो एज ए इम्प्लांट नाउ ए डेज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स यूज कार्बन कार्बन कंपोजिट्स इन मेडिकल फील्ड। आप देखो कि जैसे कि कोई भी बोन हमारी ब्रेक हो गई है या मल्टीपल फ्रैक्चर है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास आजकल ये एक अच्छा सा कंपोजिट मटेरियल है, इसका यूज कर रहे हैं। तो इसको आप इसका प्लेट बना सकते हो, इसका जो है कोई भी नेल बना सकते हो, जहाँ अभी जैसी ज़रूरत पड़ेगी आप। जैसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं कि साहब आपके हड्डी में काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर है तो इसका हम प्लेट लगा देंगे। तो ये सब सच टाइप ऑफ द प्लेट, ये मेटल है नहीं, इसके अंदर कोई खराबी आनी नहीं है। तो ये मटेरियल जो है कार्बन कार्बन का जो कंपोजिट मटेरियल है, दिस मटेरियल कैन बी यूज टू प्रिपेयर यूजफुल कंपोजिट। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है ये बताया कि कंपोजिट मटेरियल क्या हैं और ये कंपोजिट मटेरियल विभिन्न प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या नेचर है, मैट्रिक्स का नेचर अगर पॉलीमर है तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट है। अगर हमारा मैट्रिक्स मेटल का है तो इसको हम कहेंगे मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। अगर हमारा मैट्रिक्स सिरेमिक है तो हम कहेंगे सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। अगर ये हमारी मैट्रिक्स कार्बन की है तो इसको हम कहेंगे कार्बन कार्बन कंपोजिट या कार्बन कार्बन मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक आइडिया दिया कि ये
पॉलीमर कंपोजिट ही नहीं होते हैं, बहुत प्रकार के कंपोजिट होते हैं। वो कंपोजिट मैट्रिक्स के नेचर पर डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंपोजिट के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन बता दिया डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल कंसीडर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द री इन्फोर्समेंट मटीरियल। मैंने आपको बताया ना कि कंपोजिट के अंदर दो फेज होता है, एक फेज होता है मैट्रिक्स का, माने लार्जर पार्ट ऑफ द कंपोजिट मैट्रिक्स कहलाता है, ये कंटिन्यूस होता है जिसमें कि रीइंफोर्समेंट मटेरियल बिखरे होते हैं, तो इसलिए इसको डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं या डिस्पर्शन फेज भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो उसमें हमारा रीइंफोर्समेंट मटेरियल होता है, तो ये हमारा जो लार्जर पार्ट है या लार्जर फेज ऑफ द मटेरियल है वो पॉलीमर हो सकता है, मेटल हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है, कार्बन हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने सारे जो हैं इसके क्लासिफिकेशन बता दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल कंसीडर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर एंड वी शैल मीट टुमारो। थैंक यू।